प्रो कबड्डी सीजन 11 का मैच नंबर 2 खेला जाएगा दबंग दिल्ली और यूमुबा के बीच में। दबंग दिल्ली की टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, नवीन कुमार, आसू मलिक जैसे रेडर्स, और एक तरफ यूमुबा में सुनील परवेज की जोड़ी नजर आएगी। इस वीडियो में हम दोनों टीमों का स्टार्टिंग 7 जानने वाले हैं, मैच डिटेल जानेंगे, कहाँ होने वाला है, कितने बजे मैच स्टार्ट होगा। सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, कल से लीग स्टार्ट होने जा रहा है प्रो कबड्डी का, और पहला मैच होगा तेलुगु बुल्स का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है स्टार्टिंग 7 पे, तब आई बटन पे जाके देख सकते हो, आई बटन को प्रेस कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बात करते हैं इस मैच के बारे में, तो दबंग दिल्ली और यूमुबा, एक तरफ दबंग दिल्ली में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नजर आएंगे, नवीन हो गए, आसू मलिक हो गए, उससे पहले एक झटका भी लगा है टीम को, उसके बारे में हम आगे आएंगे। योगेश दहिया होंगे, यूमुबा में मंजीत होंगे, परवेज भैंसवाल, सुनील कुमार, तो हम दोनों टीमों के स्टार्टिंग 7 को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दबंग दिल्ली के बारे में, दबंग दिल्ली की टीम के स्टार्टिंग 7 के साथ जाएगी और उसके बाद यूमुबा का। तो ये जो मैच होगा ये गची बावली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा और ये मैच आपको 9 बजे से स्टार्ट होते हुए देखेगा। 8 बजे पहला मैच होगा तेलुगु बुल्स का, तो उस मैच के तुरंत बाद आपको 9 बजे मैच स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा दिल्ली और यूमुबा के बीच में। सबसे पहले हम दबंग दिल्ली पे आएंगे, दबंग दिल्ली की टीम के स्टार्टिंग 7 के साथ जाएगी उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। दबंग दिल्ली एकदम अपना अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहेगी सीज़न को, बहुत अच्छी टीम है और इस बार कुछ ज़्यादा चेंजेस मुझे लगा नहीं है स्क्वाड में, तो हम यहाँ पे दिल्ली का स्टार्टिंग 7 जानते हैं। सबसे पहला पोजीशन सेंटर है, जहाँ पे आपको नवीन कुमार जो कि कप्तानी करने वाले, दो कैप्टन है, नवीन एक्सप्रेस जरूर सेंटर पे खेलेंगे। कवर्स पे आ जाए तो राइट कवर पे इस बार हमें देखने को मिलेंगे नितिन पनवर, हिम्मत अंतिल आउट हो चुके हैं तो ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट कवर पे आपको विक्रांत खोकर देखने को मिलेंगे जो लास्ट टाइम भी इसी टीम में थे। सपोर्टिंग रेडर्स में राइट इन पे आपको आसू मलिक जबरदस्त रेडर नजर आएंगे और लेफ्ट इन पे आपको देखने को मिलने वाले हैं आशीष नरवाल। सिद्धार्थ देसाई का है उसका जवाब आगे मिलेगा। कॉर्नर्स पे आ जाते तो राइट कॉर्नर पे इस बार हमें योगेश दहिया दोबारा देखने को मिलेंगे, लास्ट टाइम के NYP, और लेफ्ट कॉर्नर पे दोबारा हमें आशीष देखने को मिलेंगे। तो ये रहेगा दबंग दिल्ली का स्टार्टिंग 7, मुझे नहीं लगता है कोई भी तरह का चेंजेस होगा। अब थोड़ा मैं जवाब देना चाहूंगा सिद्धार्थ देसाई के बारे में, बहुत लोग पूछ रहे होंगे सिद्धार्थ देसाई को दिल्ली ने खरीदा था उनका नाम क्यों नहीं है। अब एक बहुत ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, ठीक है, एकदम ऑफिशियल अपडेट बता रहा हूँ, सिद्धार्थ देसाई PKL 11 नहीं खेल पाएंगे ड्यू टू पर्सनल रीजन, और ज्यादा से ज्यादा कुछ मुझे लग नहीं रहा है वो इंजरी का कारण है, इस सीजन वो नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग 7 दोबारा बता दो, नवीन कुमार, आसू मलिक दो कप्तान दिल्ली के रहेंगे, नवीन सेंटर पे खेलेंगे, राइट इन पे आसू मलिक, लेफ्ट इन पे अब आशीष नरवाल खेलेंगे कि देसाई नहीं है, राइट कवर पे नितिन परवर खेलेंगे, लेफ्ट कवर पे आपको विक्रांत खोकर देखने को मिलेंगे, राइट कॉर्नर पे आपको योगेश दहिया देखने को मिलेंगे और लेफ्ट कॉर्नर पे आपको आशीष मलिक देखने को मिलेंगे। तो ये रहेगा दिल्ली का स्टार्टिंग 7, मुझे नहीं लगता है कोई चेंज देखने को मिल सकता है। नितिन परवर को मैंने राइट कवर पे क्यों रखा है, क्योंकि वो एक अच्छे कवर डिफेंडर है, यूपी अदास के लिए अच्छा कर चुके हैं, रेडिंग भी कर सकते हैं और यूपी कैच में भी बेहतर खेले थे, तो आपके लिए राइट कवर खेलेंगे। और राइट इन आसू जबरदस्त रेडिंग, लास्ट टाइम के बेस्ट रेडर टूर्नामेंट थे, और लेफ्ट इन पे आपको देसाई अगर नहीं खेल रहे, वो बिल्कुल नहीं खेल रहे, तो उनके जगह आपको आशीष देखने को मिलेंगे। तो ये होगा दिल्ली का स्टार्टिंग 7 कल के मैच के लिए, मैच नंबर 2 के लिए वर्सेज यूमुबा। अब एक तरफ दिल्ली की हमने बात कर ली है, अब यूमुबा का स्टार्टिंग 7 जानते हैं जो इस मैच के लिए रहेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पोजीशन जो कि होता है सेंटर का, सेंटर पे आपको देखने को मिलेंगे मंजीत दहिया, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर जिनको ऑक्शन में खरीदा गया है, और ये आपके लिए सेंटर पोजीशन संभालेंगे। कवर्स की बात करें तो कोई डाउट ही नहीं है, कप्तानी करेंगे, राइट कवर पे सुनील कुमार खेलेंगे, लेफ्ट कवर पे अगर सुनील है तो इस बार परवेश वापस आ चुके हैं, इन दोनों का मिलाव हो चुका है, लेफ्ट कवर खेलेंगे। सपोर्टिंग रेडर्स पे राइट इन पे आपको इस बार दोबारा आमिर मोहम्मद, जाफर डानिश का एक्सपीरियंस नजर आएगा। लेफ्ट इन कौन खेलेंगे, अजीत चौहान, ठीक है, शिवम ठाकुर का है उसका जवाब आगे दूंगा। कॉर्नर्स के बारे में आ जाए तो राइट कॉर्नर पे दोबारा रिंकू शर्मा नजर आएंगे जो बहुत अच्छे डिफेंडर है, और लेफ्ट कॉर्नर पे लास्ट सीजन के एक अच्छे डिफेंडर साबित हुए थे सोमवीर गोस्वामी नजर आएंगे। ये होगा यूमुबा का मोस्ट लाइकली स्टार्टिंग 7 कल के मैच के लिए। अब आते हैं हम एक सवाल पे, शिवम ठाकुर किधर है। अब शिवम को रिटेन किया गया था RYP कैटेगरी के अंदर, लेकिन अभी ऐसा खबर आया है कि शिवम ठाकुर भी हो चुके हैं इंजर्ड, इस सीजन से वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। उनको रिप्लेस कौन किया है, रोहित राघव, लेकिन मोस्ट लाइकली अजीत चौहान को खिलाएगी यूमुबा, बहुत अच्छे चले थे युवा कबड्डी में, तो इस तरह का स्टार्टिंग 7 रहेगा। दोबारा मैं दोहरा दूं तो मंजीत दहिया सेंटर खेलेंगे, सुनील कुमार राइट कवर, परवेश भैंसवाल लेफ्ट कवर, राइट इन पे आमिर मोहम्मद, जाफर डानिश, लेफ्ट इन पे अजीत चौहान खेलेंगे, राइट कॉर्नर पे रिंकू शर्मा और लेफ्ट कॉर्नर पे सोमीर गोस्वामी नजर आएंगे। तो ये होने वाला है यूमुबा का मोस्ट लाइकली स्टार्टिंग 7। मुझे लगता है एक चेंज हो सकता है अजीत चौहान के जगह, वरना कोई भी तरह का चेंज मुझे नहीं लगता एक्सपेक्ट है कि यूमुबा करेगी। अजीत
चौहान को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि युवा कबड्डी सीरीज बहुत ही कमाल का खेले थे ये खिलाड़ी, तो इसीलिए अजीत चौहान को यहाँ पे युमुबा जगह देना चाहेगी स्टार्टिंग सेवन पे। क्या आप सहमत हो युमुबा के स्टार्टिंग सेवन से जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप कमेंट कीजिएगा। और सब्स्टिट्यूट्स की जहाँ तक बात है, उस पर मैं आगे जब भी वीडियो लाऊंगा उस चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा, ये वीडियोज़ में मैं ऐड नहीं कर पाया, लेकिन मोस्ट लाइकली स्टार्टिंग सेवन की जहाँ तक बात है, इस तरह के स्टार्टिंग सेवन के साथ दिल्ली जा सकती है जिनके बारे में मैंने पहले बात किया, और ये स्टार्टिंग सेवन युमुबा का रह सकता है कल के दूसरे मैच के लिए। पहला मैच टाइटन्स बुल्स का है, अगर आपने वो स्टार्टिंग सेवन का वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली आई बटन पे चले जाओ, लेकिन वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो कैसा लगा दोनों टीमों का स्टार्टिंग सेवन, आपके हिसाब से क्या रह सकता है स्टार्टिंग सेवन दोनों टीमों का, कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, क्या दबंग दिल्ली स्टार्ट अच्छा कर सकती है या फिर युमुबा इस बार पहले मैच जीत सकती है सुनील के कैप्टनसी के अंडर, उसके बारे में कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा। और अगला वीडियो मोस्ट लाइकली कल होगा, सबसे पहला वीडियो कि प्रो कबड्डी को फ्री में कैसे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ लाइव स्ट्रीमिंग होगा, उसमें वीडियो आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कीजिए हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।